नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज की जो वीडियो है, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत बड़ी संख्या में इस टॉपिक पर मुझसे जो है वीडियो की डिमांड की गई है। ये नोटिस जो है ये आप लोगों का न्यूज़पेपर कटिंग है, बहुत वायरल भी हो रही है आईटीआई वाले बच्चों के ग्रुप्स में, मल्टीपल जो उनके जो है सोर्सेज है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वहाँ पर। तो बच्चों ने मुझसे भी रिक्वेस्ट किया कि मैं जो है इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। ये स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, इसके ही बारे में बच्चे इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो मैंने पूरा रिसर्च अपनी साइड से कर लिया है। जो अग्निवीर का नोटिस आया था उसमें भी मैंने देखा कि आईटीआई वाले बच्चों का कुछ बेनिफिट वहां पर दे रखा है, लेकिन बेनिफिट के मार्क्स के बारे में इन्होंने बताया, बेनिफिट एग्जैक्टली किस तरीके से मिलेगा वो नहीं बताया। इसके बाद ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है इसमें एंड में अगर आप देखेंगे तो आईटीआई वाले बच्चों को वहाँ पर कुछ कंपनीज दे रखी है, वहाँ पर वरीयता देने की भी बात की गई है कि आईटीआई वाले बच्चे अगर अग्निवीर से अपना 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं और वो 25% की कैटेगरी में नहीं आते तो उनको जो है इन कंपनीज में नौकरी का मौका मिल सकता है। अब वो परमानेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा या फिर जो है कैसा होगा वो कोई भी जो है डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लेटर देखो, मैं पहले आप लोगों के सामने लेटर पढ़ देता हूँ। देखो भाई, ये जो है आईटीआई पास छात्रों को अग्निवीर बनने का मौका दे रहे हैं और यहाँ पर पटना हिंदुस्तान ब्यूरो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत औद्योगिक जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं यानी आईटीआई उत्तीर्ण छात्र भी अग्निवीर बन सकेंगे। अग्निवीर को यहाँ पर टेक्नीशियन के तौर पर मौका दिया जाएगा, उनको फील्ड पर या फिर जो है किसी से जो है युद्ध करवाने का यहाँ पर ऑप्शन की बात नहीं की गई है। हाँ, जरूरत पड़ सकती है तो उनको जो इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे होता भी आपने देखा होगा, लेकिन जब बड़े स्तर पर होता है तब। लेकिन यहाँ पर टेक्नीशियन की बात की गई है तो मैं जो इसी टॉपिक पर बात करूँगा आप लोगों से। आईटीआई पास जो आवेदक है वो अग्निवीर में विशेष प्राथमिकता जो है प्राप्त करेंगे। सरकार ने 1 और 2 वर्षीय आईटीआई जो पाठ्यक्रम होते हैं यानी 1 वर्ष के आईटीआई को अलग बेनिफिट और जो 2 वर्ष के आईटीआई होते हैं उनको अलग बेनिफिट। फॉर एग्जांपल कोपा की ट्रेड 1 साल की होती है तो उनको अलग बेनिफिट, फिटर की इलेक्ट्रिशियन की 2 साल की ट्रेड होती है तो उनको अलग बेनिफिट। यहाँ पर आप लोगों को अग्निवीर की वैकेंसीज में मार्क्स के बेसिस पे जो है बेनिफिट दिया जाएगा। भारतीय सेना की ओर से अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि जो छात्र आईटीआई पास होंगे उन्हें अलग से बोनस अंक दिए जाएंगे। अब ये स्क्रीन पर आप ये छोटी सी दूसरी कटिंग देखो, इसमें आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों को बोनस अंक दिए जाएंगे, यानी जो बोनस मार्क्स हैं फॉर आईटीआई कोर्सेज स्किल क्वालिफिकेशन इन एडिशन टू बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें 1 साल की जो आईटीआई होती है उनको 30 नंबर दिए जाएंगे और 2 साल की जो आईटीआई होती है उनको 40 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे और डिप्लोमा होल्डर को 50 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और ये जो है अग्निवीर टेक्नीशियन के नाम से इन लोगों को जाना जाएगा। बाकी अभी इस पर पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा इस पर क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली मैं आपको इस पर आउटपुट दूंगा। इस तरह आईटीआई पास छात्र सेना में भी योगदान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है और भी इंफॉर्मेशन है। अब तक आईटीआई कोर्स करने वाले छात्रों के लिए रेलवे में लोको पायलट का पद प्राप्त करना ही मुख्य आकर्षण होता था। लोको पायलट नहीं, अगर ये ग्रुप डी बोलते तो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि ग्रुप डी में आईटीआई वाले बच्चे बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म फिल करते हैं अप्रेंटिसशिप के बाद। लेकिन आईटीआई के बेस पे लोको पायलट में जो है आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रख लिया जाता है, इस वजह से ये लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मगर बोनस देते हुए सरकार ने आईटीआई छात्रों को सेना से जुड़ने का भी अवसर प्रदान किया है। अग्निवीर के बाद अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एंड में आप लोग देखना। इन्होंने बोला है कि अग्निवीर के बाद छात्र ट्रेड अप्रेंटिस के तहत, अगर आपने अप्रेंटिस भी की हुई है ट्रेड अप्रेंटिस के तहत, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स DRDO लिमिटेड जो आप लोगों का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसमें, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसमें, माजगांव डोक है उसमें, सेल बेल आदि में भी सेवा प्रदान कर सकते हैं। अब इनके जो है इन्होंने जो बोला है ना यहाँ पर जुड़ने का भी अवसर प्रदान कर सकते हैं अग्निवीर के बाद छात्र ट्रेड अप्रेंटिस के तहत। तो इन्होंने ये जो ट्रेड अप्रेंटिस बोला है ना, अब ये बच्चों को इन विभागों में जो मैंने आपको ये विभाग बताया है इसमें ट्रेड अप्रेंटिस के तौर पे रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब बेसिस पे जो है जॉब देंगे या फिर जो है परमानेंट रखेंगे, इस पर कोई भी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। हाँ, अगर आपका 25% कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है, आपने देखा होगा, तो आप लोगों को जो है अग्निवीर में ही परमानेंट कर दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग 75% कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप लोगों को
इन चीज़ों का जो है बेनिफिट मिलेगा। ये जो स्कीम है, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर आप बोलोगे तो मैं जो इस पर आप लोगों को पूरा क्लैरिफिकेशन दे सकूँ। बाकी ये जो नोटिस है इसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों से अछूती ना रहे। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।